हूँ कि ये वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा छोटी बनाने की कोशिश की है और ये वीडियो में बहुत ही फास्ट कर दिया, तो आपको वीडियो समझ आएगी। और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना और डाउनलोड करके भी देख सकते हो, पर डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट ऑन करके रखना क्योंकि मेरा वॉच टाइम इसमें काउंट हो जाए, वरना आप देखोगे तो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल देखना और मेरे को वॉच टाइम दे देना, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ और 1K तो होने वाले हैं। तो धन्यवाद, तो शुक्रिया, चलो फिर मिलते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो देखते रहो पूरा एंजॉय करो। तो वही गाइस, जो आ चुके हैं नई वीडियो में, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि फ्लिक्स नोट पे सर्वर पे मतलब किसी भी वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हो। तो मैंने कर रखा है डाउनलोड पहले से, और आपको कैसे करना डाउनलोड तो मैं वेबसाइट की दे दूंगा। तो उससे पहले मैं अपनी मेरी वेबसाइट को ये विजिट कर लेना, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इधर मैं पोस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये पोस्ट कर दिया, इधर मैं सारी पोस्ट कर देता हूँ और मेरे को फॉलो भी कर लेना। इधर नीचे आपको फॉलो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसी साइड मिल जाता है आपको फॉलो का ऑप्शन, तो नीचे से फॉलो कर लेना। तो ये देखो इधर फॉलो कर लेना, और या मैं प्लीज़ इसको फॉलो कर लेना। और चलो फिर मैं बताता हूँ प्लगइन, तो आपको बस एक ही प्लगइन डालनी है जो मल्टी वर्ल्ड वाली होती है। और मैंने डाउनलोड किया, मैं बता देता हूँ किधर से डाउनलोड किया मैंने। तो मैंने ये वेबसाइट होती है प्लानेट करके, तो इधर से मैंने डाउनलोड कर लिया, कुछ भी डाउनलोड कर लेना। तो एक तो मैंने डाउनलोड कर लिया, इधर से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, तो देख लेना। चलो फिर मैं बता देता हूँ, तो क्या करना है, सर्वर के पैनल में आ जाना। तो पहले मैं आ जाता हूँ, तो ये समझ लो मैं आ गया सर्वर के उधर। तो ये सर्वर पहले से मेरा ऑनलाइन है, तो इसके ऊपर वीडियो बना रखी, तो आई बटन में आ जाएगी, जाकर देख लेना या मेरे चैनल पे आके देख लेना। तो ये रही, और मैं वर्ल्ड पे क्लिक करता हूँ। वर्ल्ड पे क्लिक करने के बाद ये वर्ल्ड जो होता है पहले से वो रखा है, तो मेरे को अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करके फाइल पे जाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद एक ऐप वो होना चाहिए, वर्ल्ड होना चाहिए। तो मेरा ये वर्ल्ड है, तो मैं सब सर्च कर लेता हूँ। पहले सर्च किया, थोड़ा पीछे जाता हूँ गेम के फोल्डर में मेरा एक लॉबी जिप डाली है। तो लॉबी जिप पे क्लिक करके ये लोड अपलोडिंग हो रही है। अपलोड होने के बाद थोड़ा लोड होएगा, तो ये जिप के फॉर्म में होना चाहिए। तो जिप के फॉर्म में होने के बाद मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकूँगा, मतलब वो कर सकूँगा। तो करने के बाद इसके अंदर बस दो चीज़ होनी चाहिए, एक जे और ये एक लेवल डाटा वाला। तो उसमें देख लेना, इस वर्ल्ड में भी वही चीज़ रहने देना, और जो कुछ हो तो उसको डिलीट कर देना या रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। या डिलीट भी कर सकते हो अगर नहीं होते तुम्हारा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो जिप फाइल में था। अब मैं चलो चलते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो माइनक्राफ्ट का काम रह गया, इधर तो हो गया मैं तो, और अपने आप को ऑपरेटर बना लेना इधर से। चलो फिर चलते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो इधर ये रही सर्वर की आईपी एड्रेस, तो मतलब ये ज्वाइन कर लेता हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, आपके काम की हो वीडियो। और अब वीडियो को पूरा देखना, पूरी लास्ट में देखना, मतलब छोड़ स्किप कर करके मत देखो। प्लीज़ मेरे वॉच टाइम मिल जाए, मेरे को मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, तो प्लीज़ मदद कीजिए। मतलब आप देख सकते हो डाउनलोड करके, और नेट इंटरनेट कौन रहने देना, तो वॉच टाइम काउंट हो जाएगा। अगर ऑफलाइन देखोगे तो नहीं होगा, तो ये दिक्कत होती है। तो मेरी वीडियो को पूरा कोई नहीं देखता, बहुत कम देखते हैं, तो उनके लिए धन्यवाद। अब चलो फिर मैं इधर आ गया, और थोड़ा रात हो रही है तो मैं वो कर लेता हूँ, दिन कर लेता हूँ और डे कर लेता हूँ। डे करने के बाद मैं थोड़ी प्लगइन के बारे में दिखा देता हूँ आपको। मैं जो प्लगइन की बताई थी, बस एक प्लगइन होनी चाहिए वाली मल्टी वर्ल्ड वाली, तो वो प्लगइन डाल रखी है, तो वो दिखा देता हूँ। तो क्लिक किया और थोड़ा रिलोड कर लेता हूँ। रिलोडिंग पे लगा दिया। रिलोडिंग पे लाने के बाद मैं देखता हूँ, सर्च करता हूँ MWMANAGE मैनेज। तो मेरे को अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैं लिस्ट देख लेता हूँ वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड की लिस्ट देखने के लिए MWLIST डालना है लिस्ट, तो ये वर्ल्ड की लिस्ट आ जाएगी। तो ये अभी लोड नहीं है, तो इसको अनलोड है, तो लोड करना है तो हमको। तो मैं जाता हूँ वर्ल्ड पे मैनेज पे, तो इधर आपको लोड वर्ल्ड मिलेगा। लोड अनलोड मैंने गलत कर दिया, आपको ये इस पर जाना है और लोड अनलोड पर क्लिक करके लॉबी का नाम डालना है, मतलब जो भी है उसका वर्ल्ड का। लेवल नेम डालना मैं गलत डाल दिया, लॉबी है सिर्फ उसका, तो सबमिट कर दिया। तो ये वर्ल्ड लोड हो गया है, लोड होने के बाद हम इसमें टीपी कर सकते हैं। चलो फिर मैनेज पे आता हूँ और टीपी टू वर्ल्ड, और इसमें दो ही वर्ल्ड है तो इस पर टीपी होता हूँ। टीपी होने के बाद तो मैं इधर टीपी हो गया हूँ, तो थोड़ा लोड हो रहा है, लोड होने का वेट करना पड़ेगा मेरे को। तो थोड़ा वेट करते हैं और थोड़ा देखते हैं कि क्या हाल है, मतलब ये लोड होने वाला है क्या। तो देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा लोड हो रहा है, और जल्दी से लोड हो जाए। और बता दूँ आपको, लोड मतलब सर्वर डालने के बाद आपको इधर जाके आपको उस वर्ल्ड का नाम डालना होता है, तो लोड हो जाएगा जब अगर लोड नहीं हुई तो। अब देखो, देख सकते हो अगर मैं ये डालूँगा वर्ल्ड लिस्ट, तो वर्ल्ड लिस्ट में ये लोड हो चुका है। और देखिए ये भी पूरा लोड हो गया, और ये रहा देखो, ये वर्ल्ड है जो कि कतई ओपी है, और इसकी भी वीडियो आने वाली है। अगर आपको चाहिए इस वर्ल्ड की लिंक तो बता देना, इस वर्ल्ड की लिंक आपको दे दूँगा। तो देख सकते हो क्या खास अच्छा वर्ल्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और वीडियो खत्म। चलो फिर चलते हैं, और ये देखो क्या ही अच्छा लग रहा है। चलो फिर टाटा, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।